लॉकडाउन लगने के बाद गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र के सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर रोड, हिमायूपुर उत्तरी गोरखनाथ पुल, रेलवे क्रॉसिंग और धर्मशाला पुल, शाहपुर रोड, असरन पुलिस चौकी, बसारतपुर और शाहपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जिसके संबंध में SDM सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने बताया कि गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। दोनों थाना क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरियर पर पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। दोनों थाना क्षेत्रों में केवल आवश्यक लोगों को ही आने और जाने दिया जा रहा है। जनता से अपील है कि बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकले, जिससे कि संक्रमण को कम किया जा सके और संख्या कम नहीं होगी तो आगे भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने कहा, थाना गोरखनाथ और थाना शाहपुर में दो थानों में कंप्लीट लॉकडाउन है। तो ऐसे में केवल जो औद्योगिक संस्थान है और जो सरकारी संस्थान है उन्हीं के लोगों को अनुमति मिली है, अदरवाइज सारी दुकानें सारे प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पे बहुत पॉजिटिव केसेस बहुत आ गए थे, क्लस्टर बन गया था। तो एहतियातन तौर पर हमने इसको 7 दिन तक लॉकडाउन किया है और आगे देखेंगे, अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी हम वॉच कर रहे हैं। ऐसो दोनों ऐसो को हमें समय थाने के प्रभारियों को बताया गया है, लॉकडाउन का पालन कराएं और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, लोगों से भी आग्रह करते हैं कि अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। ये सब आप और सब मिलकर ही हम इसको हरा सकते हैं, सबका सहयोग अपेक्षित है।